आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी चिकन पॉपकॉर्न की रेसिपी। तो यहाँ पे हमने रफली जो है हाफ के जी चिकन लिया है और उसको हमने इस तरह क्यूब्स की फॉर्म में कट कर लिया है। अब हम लोग जो इसको क्यूब्स की फॉर्म में कट करेंगे उसको हमें बेस भी बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे कॉर्नफ्लोर लिया है हमने हाफ कप, उसमें मैं डाल रही हूँ सोया सॉस जो कि है तकरीबन 2 टेबल स्पून सोया सॉस का हमने ऐड किया है। उसके बाद विनेगर ऐड करेंगे हम लोग इसके अंदर, 1 टेबल स्पून विनेगर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून हम नमक ऐड करेंगे, एग हम इसके अंदर ऐड कर देंगे एक, और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे। उसके बाद हमने इसको एक बिल्कुल घोल सा होता है ना जब पकौड़ों के लिए तैयार करते हैं, बिल्कुल वैसे तैयार कर लेना है। और अब हमने जितने भी चिकन के पीसेस हैं सारे उसके अंदर उसके ऊपर ऐड कर देना है ये सारा का सारा बैटर जो हमने बनाया है, और अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे कि ये बहुत अच्छी तरह जो है वो इसके ऊपर कोट हो जाए। इसको थोड़ी देर के लिए आप 10-15 मिनट के लिए रख भी सकते हैं, नहीं भी रखना चाहें दैट्स फाइन। और उसके बाद जो है हम इसके ऊपर से काली मिर्च ऐड कर रहे हैं, इसको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद आपने तेल गरम करना है और बारी बारी इनको फैला फैला के डालना है कि जुड़ ना जाए। हमने यहाँ पे जो छानना है इसके ऊपर इस तरीके से रखा और उसके बाद हमने इसको तेल के अंदर डाल दिया, तो ये बिल्कुल सेपरेट ही गए। और एक और बात यह है कि आप इसको डालने के बाद चम्मच नहीं चलाना, इसको 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही रखना है, वरना जिसको बैटर लगा है वो तेल के अंदर बिल्कुल घुल जाएगा। तो ये चीज़ आपने नहीं करनी, गोल्डन ब्राउन होकर इन्हें निकाल लेना है। ये चिकन पॉपकॉर्न्स बहुत अच्छे लगते हैं केचप के साथ, मायनीज की एक ड्रेसिंग होती है वो आपको ज़रूर बनाना बताऊंगी, उनके साथ भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। सो बस इस तरीके से आपने इनको गोल्डन ब्राउन करके निकाल लेना है। आँच जो है आपने मीडियम टू लो फ्लेम रखनी है, ज़्यादा ना तेज़ हो ना ज़्यादा हल्की हो, क्योंकि हमने चिकन कच्चा डाला है और छोटा छोटा है तो जल्दी पक जाएगा, लेकिन फिर भी ध्यान से आपने इसको गोल्डन ब्राउन करना है। ऐसा ना हो कि चिकन कच्चा रह जाए, तेज़ आँच आपने नहीं रखनी है। बस इस तरीके से आप इसको निकालते जाएँ और ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगे, बहुत टेस्टी लगते हैं। इसको आप यूज़ कर सकते हैं चिकन मंचूरियन बनाने के लिए भी, तो वो भी रेसिपी मैं ज़रूर अपलोड करूँगी अपने चैनल पे, और बिल्कुल इस तरीके से उसके अंदर डल जाते हैं। तो चिकन मंचूरियन की रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय।